हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा सर ऑफिशियल। व्यूअर्स, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज स्टोरी है कि पाकिस्तान इज फेसिंग अ लूमिंग ऑयल क्राइसिस बिकॉज बैंक्स हैव रिफ्यूज टू ओपन एंड कन्फर्म लेटर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। द ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, अ ग्रुप ऑफ रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव ड्रॉन अटेंशन ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टूवर्ड्स द इमर्जिंग सिचुएशन। सादा अल्फाज में, क्योंकि LCs नहीं खोल रही गवर्नमेंट तो ऑयल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। तकरीबन सारी ऑयल कंपनीज़ की जो एडवाइजरी काउंसिल है और ऑयल इंपोर्टर्स जो हैं, उन्होंने स्टेट बैंक को और फाइनेंस सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया है कि आप इसमें इंटरवीन करें और इन LCs को ओपन करें क्योंकि ऑयल क्राइसिस जनरेट हो सकते हैं इससे मुल्क में। दूसरी जानेब वीट क्राइसिस का आज सेनेट में बहुत चर्चा रहा, सब ने डिस्कस किया, हर कोई परेशान है क्योंकि लोगों के अपने जो सैनेटर्स हैं उनके अपने लोगों से रबते हैं, उनको पता है किस कदर लोग परेशान हैं। एक आटे की बोरी के लिए इतनी इतनी तकलीफदेह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में आटे के लिए लोग पैसे लेके भी लाइन में खड़े होंगे और उनको आटा नहीं मिल रहा होगा। सेनेट में आज खूब इस पर ले दे हुई है, लेकिन गवर्नमेंट इज़ इन डिनाइल, कम्प्लीट डिनाइल। मिनिस्टर साहब जो कि जमशेद चीमा साहब हैं, वो कह रहे हैं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बहुत वाफर तादाद में वीट मौजूद है और प्रोविंसेस जो हैं वो इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वैसे भी दिस इज़ प्रोविंशियल मैटर। दूसरी जानेब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो है जिसमें आटा लदा हुआ है ट्रक्स में और वो सरहद पार जा रहा है, यानी कि स्मगलिंग हो रही है, और वो पूछ रहे हैं ये आटा किधर जा रहा है। इन माई ओपिनियन इन लोगों ने आटा, ऑयल, ये जितने भी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, इन सब पे पॉलिटिक्स कर करके हमें ये मैसेज दिया है कि हम पे मत रहना, लोगों के मसले हमारे मसले नहीं हैं, इलेक्शन आएगा देखा जाएगा, वी नो वी हैव द टैक्टिक्स अंडर हैंड जिनसे हमने इलेक्शंस जीतना होता है, हमने कहाँ जाकर इंजीनियरिंग करनी है, हमने किन से बात करनी है, वी नो इट। लेकिन ये मसाइल या गवर्नेंस अगर आप पॉलिटिशियंस से पाकिस्तान में एक्सपेक्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। एक और ख़बर आज जो मैंने देखी जिसमें ये पता चल रहा है कि हर चीज़ पे पॉलिटिक्स हो रही है, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो 50 बिलियन रुपीज़ मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो थे फॉर्मर फाटा के, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो रखे हुए थे, वो यूँ समझे कि KP गवर्नमेंट से वापस ले लिए। मैं सादा अल्फाज में आपको बताती हूँ कि फाटा डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हुआ था 2022-2023 के फिस्कल ईयर के लिए, जिसमें KP गवर्नमेंट को तकरीबन 50 बिलियन रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए थे कि विद इन द पीरियड ऑफ 10 इयर्स स्लोली जो फाटा के एरियाज KP में मर्ज हुए हैं आप उसमें डेवलपमेंट लेके आएं, उसमें इन्वेस्ट करें और उनको उस लेवल पे, उन पसमानदा इलाकों को लेके आएं जिस लेवल पे KP खुद है। और ज़ाहिर है मर्ज करने का मकसद भी यही था कि उन इलाकों में डेवलपमेंट हो ताकि वहाँ के लोगों की जो डेप्रिविएशंस हैं उनको ख़त्म किया जा सके, उनको उनके हकूक दिए जा सकें। तो इस सिलसिले में जो पैसे उनको दिए गए थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उनको फेडरल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है ये सोच के कि इससे वो प्रेशर बिल्ट कर सकेंगे KP गवर्नमेंट पर, या इन अदर वर्ड्स यूँ समझ लें कि वो नहीं चाहते कि वो पैसे PTI की गवर्नमेंट जो KP में बैठी है वो खर्च करे और KP के लोगों पे, उस फाटा, फॉर्मर फाटा के लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन जाए कि PTI उनके लिए बहुत काम कर रही है। सरासर सियासत की बेस पे उन लोगों के पैसे जो एलोकेटेड थे, जो कि बिल्कुल आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होती है, इसको ये कहना चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, उसके साथ एहसन इकबाल कह ये रहे हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये पैसे क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने ही देने थे तो हमने सूबे से वापस ले लिए हैं और एक स्टेयरिंग कमेटी बना देते हैं जो इसको खर्च कर लेंगे। सो दे मेक इट साउंड सो नॉर्मल एंड सो कन्वीनियंट, लेकिन हकीकत यह है कि आज सेनेटर मुश्ताक जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को ट्वीट भी किया है और सेनेट में इसको उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। उनका कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ है, ये वायलेशन है ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और KP गवर्नमेंट को मुस्तकिल टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वहाँ पर PTI की हकूमत है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये एक पोलिटिकल मूव है
कि इनको डेवलपमेंट प्लान की तरह यूज़ किया जाए थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट, ताकि केपी के लोगों को ये मैसेज जाए कि केपी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तो शायद हाथ बंधे हुए हैं या वो कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग अस। तो ये शायद फेडरल गवर्नमेंट में जो सब पीडीएम गवर्नमेंट बैठी हुई है उसका कोई इमेज रेस्टोर हो पीडीएम में, और नेक्स्ट टाइम फजलुर रहमान या उनकी पार्टी या कुछ ये पार्टीज मिलकर वहाँ सीटें जीत सकें। सो बेसिकली फाटा के लोगों की किस्मत में भी सियासत लिखी हुई है। उनको अगर कुछ पैसे मिल ही रहे थे फेडरेशन की तरफ से, जो कि एक गुडविल जेस्चर होता है उन लोगों की तरफ जो कबायली इलाके थे, हमारे साथ मिले थे वो अपनी मर्जी से, जंग लड़ी उन्होंने दहशतगर्दी की हमारे साथ मिलके, ये उसके बाद उनका हक बनता था। लेकिन एहसन इकबाल इस प्लानिंग में क्योंकि शामिल है, मिनिस्टर हैं वो, इस प्लानिंग मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से इस पे सियासत की है ये भी याद रखा जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से केपी को किसी भी डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जा रहा, दैट इज़ आल्सो अनप्रेसिडेंटेड। शदीद टेररिज्म का शिकार हैं वो लोग, वहाँ के पुलिस वाले मुस्तकिल शहीद हो रहे हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स से लेके एक आम सिपाही तक, और वो लोग अनआर्म्ड, आप समझे वो लोग बिल्कुल अनआर्म्ड लड़ रहे हैं ऐसे दहशतगर्दों से जिनके पास इस वक्त हैवी आर्टिलरी है, इंतहाई ट्रेंड दहशतगर्द हैं। वो आके थानों पे हमले करते हैं, जो पिछले दिनों बन्नू में वाक़या हुआ सीटीडी सेंटर में, वो आपके सामने है। वो इतने इक्विप्ड हैं, वो आके पूरे जेल एंड जेस्ट के साथ आपके ऊपर हमला करते हैं, और आपने इक्विप नहीं किया हुआ अपनी फोर्स को टू काउंटर दोज पीपल, उनको अकेला छोड़ा हुआ है। 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक हम सिर्फ शहादतों की खबर सुन रहे हैं। केपी गवर्नमेंट मुस्तकिल कह रही है कि हमारे बस की बात नहीं है, और इंटरनल सिक्योरिटी का अगर स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करें तो उसमें वो फ्रंट लाइनर हैं इस वक्त, वो लोग इक्विप भी नहीं हैं ऑन देयर ओन इस मसले को हैंडल करने के लिए। लेकिन मुस्तकिल सियासत हो रही है, ना तो किसी डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल किया जा रहा है, ना कोई फौरी तौर पे अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई खबर आई है कि ये लगे कि इस चीज़ को सीरियस लिया जा रहा है। इस सिलसिले में एक चीज़ शायद जो कम डिस्कस होती है वो ये है कि दहशतगर्दी का इलाज सिर्फ ये नहीं है कि मिलिट्री ऑपरेशंस होते रहें। मिलिट्री ऑपरेशंस आप 10 दफ़ा कर लें, लेकिन अगर सिविल गवर्नमेंट वहाँ आके मामलात को कंट्रोल नहीं करती तो वहाँ पर 101% चांसेस रहते हैं री इमर्जेंस ऑफ टेररिज्म के और मिलिटेंसी के। हमने नेक्टा बनाया था, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 2013, और नेशनल एक्शन प्लान जो कि 2014 में सब ने उस पर एग्री किया था, सब पार्टीज़ ने, उसके तहत ये अग्री किया गया था कि एक अम्ब्रेला होगी जिसके अंडर हम स्ट्रेंथन करेंगे एफर्ट्स टू काउंटर टेररिज्म इन फ्यूचर एंड एक्सट्रीमिज्म इन फ्यूचर। उसमें चाहिए क्या था, आपने एम्पावर करना था लोगों को, जो लोग काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर से जब फौज ऑपरेशन करके चली जाती है तो सिविलियन फेस का काम होता है कि वो उन नेटवर्क्स को दोबारा से कंसोलिडेट होने से रोके, उसके ऊपर नज़र रखे, उन एलिमेंट्स को देखे जिनकी वजह से वहाँ पर दोबारा दहशतगर्दी आ सकती है, वो सब नेक्टा के अंडर आते हैं। तो जब आपने नेक्टा को किसी भी तरह स्ट्रेंथन किया ही नहीं, उस पर आपका फोकस ही नहीं रहा, तो जवाब में क्या हो रहा है, बार बार दहशतगर्दी वापस आ रही है, और वो जितनी दफ़ा वापस आती है वो हमारे नहित्ते पुलिस वालों को टारगेट करती है। क्योंकि याद रखें कि फ्रंट लाइन पे है केपी, अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ है, इसलिए जो वहाँ के सिक्योरिटी इदारे हैं वो असल में टारगेट हैं इन दहशतगर्दों का। तो अगर आपने उनको इक्विप ही नहीं किया, आपने उनकी ट्रेनिंग ही नहीं की, आपने उनको वो असलाह ही नहीं दिया जो उन्हें चाहिए, और दूसरी जानिब से जो दहशतगर्द आ रहे हैं उनके पास अमेरिकन असलाह है, दे आर बेटर ट्रेंड, दे हैव नथिंग टू लूज़, वो तो सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं, तो उसके बाद आप अपने नहित्ते फौजियों को और अपने नहित्ते पुलिस वालों को क्यों मरवा रहे हैं, उनकी शहादतों से आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि हमने इस पर फोकस नहीं किया। सो दिस इज़ अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ पॉलिटिशियंस ऑफ द सिविलियन फेस ऑफ पाकिस्तान, और इस पर कोई लाख कहता रहे कि इसमें मिलिट्री ये करती है, मिलिट्री वो करती है, हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में मिलिट्री सिर्फ ऑपरेशन करती है और उसके बाद जो गैप होता है उसको फिल इन करना होता है सिविलियन लीडरशिप ने। लेकिन अगर आपकी सिविलियन लीडरशिप मसरूफ है सिर्फ पॉलिटिक्स करने में, मरकज़ पे कब्ज़ा जमाने में, पंजाब पे कब्ज़ा जमाने में, थोड़ा ज़रा लंबा अरसा निकल जाए, इलेक्शंस में ना जाना पड़े क्योंकि बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट मिली है, तो उसके बाद क्या रह जाता है, व्हाट डू वी हैव टू डिस्कस, बिकॉज शायद हमारे पॉलिटिशियंस के लिए अपनी पॉलिटिक्स सबसे पहले है, एंड वी आर एट द वर्ज ऑफ इट,
कि पॉलिटिक्स में भी अगर अपने वोटर का ख्याल हो, अपने लोगों का ख्याल हो, तो आप जो मर्ज़ी करें वो जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन हम ऐसे वक्त में जिंदा हैं जिसमें इन पॉलिटिशियंस को लोगों का कोई ख्याल नहीं है। लोग वही आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, पैरों में जूती नहीं है बच्चों के, स्कूल्स नहीं हैं, पाकिस्तान डूबा हुआ है, जाके अमदाद मांग रहे हैं ये लोग, महंगे तरीन होटल्स में ठहर के सूटेड बोटेड, और इनसे बात करें तो इनके अंदर जो फिरौनियत झलकती है इनके बात करने में, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आती है और उसकी क्या बेस है। तो इसलिए दहशतगर्दी भी पलट पलट के आती है, फूड क्राइसिस भी बार बार आता है, ऑयल क्राइसिस भी सर पे खड़ा हुआ है, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो उसके बाद आपके जो सबसे बड़ी जमात के जो लीडर हैं वो अभी तक, उनको इतना बड़ा धचका लगा है पंजाब में, जो लास्ट मनूवर किया है इमरान खान ने असेंबलीज डिसॉल्व करने का, वो वापस आने को तैयार नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने वहाँ से बैठ के तजावीज़ तलब कर ली हैं, वो शायद अपनी बेटी को भेज दें कि वो लीड करें और तंजीम साजी करें। ये किन अल्फाजों में लोगों को उलझाया हुआ है आपने? अगर आप फ्रंट फुट पे आके अपनी जमात को लीड नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है आप रिटायरमेंट ले लें। अपनी मर्ज़ी की जुडिशरी, आज ही शहबाज शरीफ ने उन जज साहब को जिन्होंने उनके सारे TTs जो स्कैंडल्स थे FIA केसेस के वो सब सुने थे और उसमें उनको बरी किया था, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको एक और नौकरी दे दी है। सो यू हैव द मोस्ट फ्रेंडली जुडिशरी, यू हैव द मोस्ट फ्रेंडली इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अभी आपने लंदन से बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट की है, और आपके अपने भाई की हुकूमत है और आपके समधी की मईशत है, आप फिर भी वापस आने को तैयार नहीं हैं। इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। हाँ, जब आप नहीं आएंगे और उस गैप को वोटर फिल करेगा किसी और को वोट देके, तो फिर आप जितनी मर्ज़ी मलिशियस कैंपेनिंग कर लें, किसी की बदकिरदारी को जितना मर्ज़ी तशहीर कर लें, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, फिर लोगों पे वाकई उसका असर नहीं होगा, क्योंकि जो लोगों में मौजूद है, जो लीड करेगा उन्हें, लोग उसके साथ खड़े होंगे। दिस इज़ द लेसन जो इस वक्त सीखने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, MQM को भी, कि सिर्फ बातें नहीं चलेंगी। अब इमरान खान ने 100 गलतियां की होंगी अपने दौरे हुकूमत में, और डेफिनेटली की थी, लेकिन क्योंकि वो लोगों के बीच में रहे हैं, वो यहाँ से भागे भी नहीं हैं, उन्होंने कनेक्ट करना भी नहीं छोड़ा लोगों के साथ, तो आप देख लें लोगों ने उनको कैसे रिस्पॉन्ड किया है। आई होप दिस इज़ अ लेसन फॉर आर पॉलिटिशियंस, रेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस। लेकिन ये याद रखें कि जितना डैमेज इस 8 से 9 महीने के पीरियड में हो चुका है, नए इलेक्शंस के बाद आने वाली कोई भी जमात 2/3 लेके भी आ जाए तो डैमेज पूरा होते होते भी टाइम लगेगा। सो द अर्ली वी ट्राई एंड वी रेस्टोर द सिस्टम बैक टू सम नॉर्मलसी, वो नॉर्मलसी जो भी है, अर्ली इलेक्शंस कह लें, फ्रेश मैंडेट कह लें उसको, आपस में बैठ जाएं, अभी भी मौका है, अगर असेंबली डिसॉल्व हुई है तो अब दिस इज़ द टाइम कि अपोजिशन और गवर्नमेंट, जो कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अपोजिशन है और कहीं वो गवर्नमेंट है, इकट्ठे बैठ के केयर टेकर सेटअप पे बात कर लें, वरना वही होगा बाद में, एक राज़ी नहीं होगा तो वो कहेगा हम इस इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानते, ब्लेम गेम चलते चलते फिर जब मिलिट्री की इंटरवेंशन आएगी तो आप लोग शिकायत करेंगे कि ये इसकी वजह से हुआ, वो उसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से भी होगा लोग सफ़र करेंगे। सी यू टुमारो।